नमस्कार दोस्तों, एंड्रो फिक्सर की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आने पर हम अपने मोबाइल को वेकअप कैसे कराते हैं, यानी ऑटोमेटिक वेकअप हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आया, किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन आया हमारे मोबाइल में, तो हमारा मोबाइल लॉक है तो अपने आप वेकअप हो जाएगा, जिससे हम देख सकते हैं कि किस ऐप का नोटिफिकेशन आया है। जैसे आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ऑन द स्पॉट तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाता हूँ। चलिए स्क्रीन ऑफ करते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आया तो कुछ इस तरह का स्क्रीन वेकअप हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा नोटिफिकेशन, आप लोग तब देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आने पर अपने मोबाइल के स्क्रीन को वेकअप कैसे कराते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों के मोबाइल का स्क्रीन वेकअप होता है, नोटिफिकेशन आने पर वेकअप होता है और उसे डिसेबल करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आप लोग ये भी जान जाएंगे कि कैसे उसे डिसेबल करते हैं। तो दोस्तों, बगैर ज़्यादा समय गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल के सेटिंग में चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमारा सेटिंग ओपन हो गया है। अब हम यहाँ से जाएंगे लॉक स्क्रीन में। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, सर्च बार में यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को सर्च करना रहेगा तो यहाँ पे सर्च करेंगे वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, वेक लॉक स्क्रीन फॉर इतना ही डालेंगे तो आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ गया है। तो यहाँ से आप सर्च करके भी जा सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में वाला हमारा सेटिंग है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर लीजिए। यहाँ से लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉक स्क्रीन, वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। तो यहाँ से अभी डिसेबल है तो इसे हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। और यहाँ से आप लोग अगर आके इसे इनेबल कर देंगे तो आप लोगों का मोबाइल अगर ऑफ है, यानी कि ऑफ करके आप लोग अपने मोबाइल को रखे हैं कहीं पर, और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसका स्क्रीन वेकअप हो जाएगा। पूरा लॉक ऑन नहीं होगा, स्क्रीन वेकअप हो जाएगा, जिससे आप लोग देख सकते हैं, यानी बगैर मोबाइल को टच किए देख सकते हैं कि किसका नोटिफिकेशन आया है, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप लोग इसे इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे आकर। और दोस्तों, बहुत सारी सेटिंग की वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं नीचे से ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐप खुल रहे हैं। अगर इस तरह का सेटिंग आप लोग भी अपने मोबाइल में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, और हमारे चैनल पर विजिट करके बहुत सारी सेटिंग आप लोग जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन वाला बेल भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।